गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है उसमें जैसा कि मैंने टॉपिक में ही आपको बताया कि मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स है, मतलब मैथ्स का वो पार्ट कुछ हम लोग करने वाले हैं जो कि आपको फिजिक्स के अंदर काफी यूज होता है और बार बार यूज होता है। सो इट मेक्स इट मैंडेटरी टू लर्न सर्टेन फंडामेंटल एट द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले हम लोग को कुछ फंडामेंटल लर्न करना होगा। ये मैथ्स के डिफरेंट चैप्टर से आते हैं, आपको ये भी नहीं घबराना है कि सर ये क्या पढ़ाने लगे, कभी उस चैप्टर से पढ़ा रहे हैं कभी इस चैप्टर से। मैंने क्या किया है कि जो एसेंशियल चीजें हैं, मोस्ट एसेंशियल जो चीजें हैं उनको मैं लेके अभी आपको ये बताऊंगा कि ये चीजें फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होती हैं, आप उसका एग्जांपल भी देख लेंगे। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, काउंटिंग प्रिंसिपल। इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ये क्या चीज होता है ये भी आपको बताऊंगा मैं। इसके बाद मैं एक बात करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है आपका परम्यूटेशन। इसके बाद एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे, बहुत छोटा छोटा पढ़ेंगे हम लोग, इनफैक्ट ये काफी बड़े चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ी सी मैं आपको जो बात करूंगा इसके ऊपर वो बात करूंगा कॉम्बिनेशंस के ऊपर, और इसके बाद मैं आऊंगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं बायनोमियल, है ना, इसको बायनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग। जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा एक हम लोग बायनोमियल इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में जो पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये है आपका बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। तो चीजें कैसे बिल्डअप होती हैं इसको बताने के लिए जो है यूज होगा। और जब ये पढ़ लेंगे ना हम लोग बायनोमियल थ्योरम तो इसको दो तीन जगह चैप्टर में फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग। देखिए फिजिक्स का एक चैप्टर बताते हैं जहां यूज होता है, जैसे आपको देखो इसको यूज करेंगे हम लोग एरर्स में, एरर्स एंड मेजरमेंट या एरर्स प्रोपगेशन में इसका यूज करेंगे, एरर्स प्रोपगेशन। और बायनोमियल थ्योरम कहां यूज करेंगे हम लोग, तो आप ये यूज करेंगे ऑलमोस्ट हर जगह यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे, एनर्जी में जाएंगे, सब जगह यूज करेंगे। तो मैं उस चैप्टर्स का नाम नहीं देता हूं आपको, बाद में जैसे फिजिक्स में आएगा, ये फिजिक्स के वो चैप्टर्स हैं जहां पे यूज होगा ये सब, ठीक है ना। मैं ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का एक एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके इंटरेस्ट के लिए, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि कैसे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको एक फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, जैसे कि 1 प्लस
0.00129, इसका पावर यदि मैं 5 कर दूं, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, यदि 1 + 0.00129 कर दूं तो मैं इसको अप्रोक्स लिख सकता हूं कि ये 1 + 5 × 0.00129 के बराबर होगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू जो होगा अप्रोक्सीमेटली, मैं लिखने जाऊं 5 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 645, तो ये हो जाएगा 1 + 0.00645, मतलब ये अप्रोक्स होगा 1.00645। हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको कि हाउ, है ना, ये कैसे आता है आखिर, हाउ इट कम्स, ठीक है ना। क्या काम अभी हमारा करना कि इसको इन्वेस्टिगेट करना कि ये किस तरीके से आता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा, मैं आपको जैसे एक फिजिक्स का एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो एक रेसिस्टेंस है जो क्लास 10 में लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। सपोज कीजिए इसके अंदर जो है करंट आई फ्लो करता है, तो आपने सुना होगा कि जो हीट प्रोड्यूस होता है एच का वैल्यू होता है I² R × T। यदि आर रेसिस्टेंस है, टी टाइम है और आई जो है वो करंट है, I² R T फॉर्मूला सबको मोर ऑर लेस पता होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग आंचल, शाद्वी एंड शुभम, शबनम, सॉरी। आप लोग कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में भेजिएगा, ठीक है ना। आई विल बी मोस्टली एंगेज इन टीचिंग यू, गिविंग न्यू इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल्स, लेकिन बीच बीच में यदि कुछ कमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो आप भेज देना। इफ यू फील इट वेरी इंपॉर्टेंट तो आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो या चैट पे ही रहना, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं इसमें, यदि किसी ने आपको बताया कि इसके अंदर कोई एक बैटरी लगी हुई है और आर का जो वैल्यू है ना, ये आर का जो वैल्यू है वो सपोज करो गिवन है 5 ओम, लेकिन आपने सुना होगा कि जब कोई भी रेसिस्टेंस को हीट करते हैं हम लोग, करंट उसके थ्रू फ्लो करता है, तो व्हाट हैपेंस, तो सबसे पहला चीज होता है कि उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सपोज करो इसका रेसिस्टेंस 1% बढ़ जाता है, व्हाट हैपेंस, 1% रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ आर इंक्रीजेस बाय 1%, एक परसेंट आर का वैल्यू बढ़ता है, अब क्यों बढ़ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि ड्यू टू हीट जेनरेटेड। अब क्या प्रॉब्लम आएगा भाई, तो बोला कि यदि आर का वैल्यू बदलता है 1%, जैसे 5 ओम है तो ये 5 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 5.05 हो जाएगा। अब जैसे ही रेसिस्टेंस बदलेगा बेटे, ये करंट भी बदल जाएगा। सपोज करो ये 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो जैसे ही आप करेंगे करंट बदलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि करंट का वैल्यू कितना चेंज होगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, प्लस हीट कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो ये सब सारी चीजें डील करने के लिए हमको इस तरह का कुछ काम करने के लिए मिलेगा। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप इससे निराश मत होना कि ये चीजें क्यों आ रही है, एक्चुअली में ये उस यूज के लिए आ रही है जो आपको आगे करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इस सीक्वेंस में कुछ पढ़ाई करेंगे ताकि आप इसको पूरा समझ पाए कि ये अप्लाई कैसे करते हैं, ये सब इस प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई होगा, ये भी एक अलग बात है। जो चैप्टर्स आएंगे उस चैप्टर में हम लोग इसको अप्लाई करते जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई मीन टू कन्वे दैट दिस सीक्वेंस of learning is important so that you can understand this kind of thing. इसको in general हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 1 + x का power यदि n हो तो ये approximate value होता है 1 + nx, और ये जहां की x का value जो है 1 से काफी कम है और ये 0 के बड़ा है, मतलब very small fraction ये रहेगा, तो ये formula लगा सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको binomial चाहिए होगा,
बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बायनोमियल थ्योरम जानना होगा, थोड़ा कॉम्बिनेशंस के बारे में सुन लें, थोड़ा सा परम्यूटेशन के बारे में सुन लें, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है सुन लें, काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है ये सुन लें, ठीक है ना। सो लेट अस डू इट कि व्हाट इज काउंटिंग प्रिंसिपल फर्स्ट, ठीक है ना। एक एक करके हम चलेंगे इसमें। लेट्स गो ऑन टू काउंटिंग प्रिंसिपल। जैसा कि आप जानते हैं काउंटिंग के नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, ये काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। 0 होल नंबर में आता है, ठीक है। खैर नंबर थ्योरी को छोड़िए, अभी आते हैं। सपोज करो काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज टू डू अ सर्टेन टास्क। अभी फिलहाल हम अपना काउंटिंग इस चीज पे फोकस करते हैं कि एक टास्क है उसको करने के लिए कितने तरीके से किया जा सकता है। लेट अस लर्न। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, सपोज कीजिए देयर आर 3 टाउन्स ए बी सी, है ना। जैसे मान लो यहां से हम लोग को चलना है और सी तक पहुंचना है, एंड सपोज देयर आर 3 वेज हियर। कितना है ए टू बी के लिए रास्ता कितना बनाया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे 3 ऑल्टरनेट वेज है, मतलब ये वर्क अकॉम्प्लिश हो सकता है। और बी से मान लो आपको पता है कि सपोज करो 1, 2 और एक मान लो ये रास्ता है 3 और एक ये 4, तो बी टू सी सपोज कीजिए 4 वे है, ठीक है ना। यू कैन वेरी इजीली गेस दैट इन हाउ मेनी वेज यू कैन रीच फ्रॉम ए टू सी, ठीक है ना। ए से बी तक जाने में और बी से सी तक जाने में यदि ऐसा ऑप्शन हो कि यहां से यहां 3 रास्ते से जा सकते हैं और बी टू सी जाना हो देर आर 4 वेज, ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज ए टू सी, मतलब कि हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज टू रीच ए टू सी। आप बहुत सिंपल करेंगे कि सपोज कीजिए पहला नंबर का रास्ता लेते हैं, तो यहां से एक ऐसे गए तो इसके बाद 4 अल्टरनेटिव है, मतलब देखो यहां से ऐसे गए 1, फिर गए 2, फिर कितना गए 3, और फिर यहां से ऐसे आ गए तो ये हो गया 4। सो इसका एक रास्ता लेते हैं तो आगे 4 वे बनता है, फिर इसी तरह से इसको लेंगे तो फिर 4 तरीका होगा। तो बेसिकली क्या चीज हो गया, तो आप लिखेंगे कि 4 + 4 + 4 मिल रहा है सर। ये कितनी बार आया, 3 बार, क्योंकि यहां पे 1, 2, 3 है, तो ये बेसिकली कितना हो गया 3 × 4। तो आप बोलेंगे कि यहां पर 3 वे था, यहां पे 4 वे था, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वे कितना आ गया 12। एंड दिस आर इंटरलिंक। ये टास्क सी जो तक पहुंचने का तभी कंप्लीट होगा जब हम लोग बोलेंगे कि आप ए से बी और फिर बी से सी का पूरा पाथ को कंप्लीट करते हैं। सो ये इंटर स्टेजेस है, और इसको पूरा करने में कितना आया, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आया, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर 12 वेज इन व्हिच यू कैन रीच फ्रॉम ए टू सी। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही जानिए, यदि और स्टेजेज होता तो और मल्टीप्लाई होता, ठीक है ना। जैसे मान लो अब होता कि एक जगह यहाँ पे डी बना देते हैं हम लोग और बोलते कि डी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 अल्टरनेटिव है, 2 वे। तो यदि ए टू डी के लिए आप निकालोगे कि ए टू डी कितने रास्ते हैं जाने के लिए, कॉम्बिनेशन बहुत सारा ट्राई करेंगे, देखो 1, फिर यहां से गए 2, यहां से गए 1, फिर यहां से गए 2 एंड सो ऑन। तो आप यहां पे 3 × 4 लिखे हुए हो, अब आगे 2 तरीका और है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यू विल फाइंड 24 वे, मतलब कैसे आया, सो 3 × 4 × 2। सो ये एक टास्क है ए टू डी जाना, ठीक है ना। और यदि फर्स्ट स्टेप में 3 तरीका है, सेकंड स्टेप में 4 तरीका है, 4 तरीका का मतलब होता है 4 वेज, और यदि थर्ड स्टेप में भी 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वेज टू रीच फ्रॉम सी टू डी, देन क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ए टू डी जाने के लिए टोटल कितने तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इन हाउ मेनी वेज वी कैन रीच फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इज दिस पर्स, 3 × 4 × 2। बोलो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, 24 वे है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि काउंटिंग का प्रिंसिपल ये बोलता है कि यदि ये पूरा टास्क है जिसमें कि कुछ स्टेज में यहां पर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ है, सपोज कीजिए n1 वे में,
यहाँ पे N2 वे में और ये आपका N3 वे में है और ये डिपेंडेंट टास्क है, क्योंकि डी तक पहुंचने का काम तभी कंप्लीट होगा जब ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी चलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वे टू कंप्लीट द टास्क इज हाउ मच। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं बेटे, N1 इंटू N2 इंटू N3, ये टोटल नंबर ऑफ वे है, ठीक है ना। आप काउंटिंग का प्रिंसिपल एक ये समझ गए कि मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस गो ऑन टू अनदर थिंग। एक हम लोग सिंबल यूज करेंगे अब, सिंबल क्या है, ये सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। थोड़ा फास्ट आएंगे, जहां पहुंचना है वहां पे हम लोग जाने के लिए फास्ट यूज कर रहे हैं। देखिए क्या फैक्टोरियल नोटेशन, व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन, ये जो नंबर्स है ना, ये 1, 2, 3, 4, इसका यदि आप प्रोडक्ट करते जाते हैं जैसे 1 से लेकर 4 तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फैक्टोरियल 4 है। या कभी कभी ये सिंबल भी यूज करते हैं, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 4। जैसे मान लीजिए 1 × 2 × 3 ऐसा करते हुए अप टू n लेते हैं, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। और इसको डिनोट क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि 1 से लेके 2 से लेके n तक ऐसा यदि सिंबल है तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे या इसको ऐसे लिखते हैं। ये थोड़ा पुराना सिंबल है, वैसे भी यूज करते हैं, ये थोड़ा जगह बचाता है, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, है ना, कि नया सिंबल है, ठीक है। आंचल ने आंसर किया है 12 वे, गुड। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल n, ठीक है ना। हम लोग फैक्टोरियल नोटेशंस का ये लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब होगा, तो 1 × 2 तो 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 का यदि मीनिंग ले तो फैक्टोरियल 1 का मीनिंग केवल 1 होगा। फैक्टोरियल 3 का मीनिंग क्या होगा, तो 1 × 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 1 × 2 × 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 24 एंड सो ऑन। आप निकाल सकते बहुत बार लोग बोलते हैं कि फैक्टोरियल 0 कैसे आप करेंगे, 0 क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये होता है एक स्पेशल फॉर्मूला, आप याद कर लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल 0। ये एक एक्सेप्शन है, इसमें हम नेचुरल नंबर नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन फैक्टोरियल 0 का भी मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। ये थोड़ा सा आपको अभी लगेगा कि ये तो नेचुरल नंबर नहीं, आपने डेफिनेशन में नेचुरल नंबर दिया है, तो ये कॉम्बिनेशन के थ्रू आ जाएगा। मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि व्हाई वी कंसीडर फैक्टोरियल 0 टू बी इक्वल टू 1। लेकिन फैक्टोरियल का मीनिंग आप लोग तो समझ गए कम से कम, कि क्या होता है फैक्टोरियल 0 1 होता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसा करते हैं 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम बोलेंगे फैक्टोरियल 4, उल्टा लिखा हुआ 1 से लेकर 4 तक, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 24। अच्छा यदि फैक्टोरियल 3 लिखना हो तो क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 6 आएगा। मतलब कि इसमें 24 में इस नंबर में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कितना आ गया 6। अब फैक्टोरियल 2 कर रहे हैं तो देखिए क्या आने वाला है, बोलेंगे 2 × 1 आने वाला है, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, इसमें ये 6 आया है ना, उसमें हम लोग इस नंबर से डिवाइड करते हैं पहला वाले नंबर से, तो ये बच जाएगा केवल यहाँ पर जो चाहिए हमको, तो 6 / 3 तो कितना आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये 2 आएगा। तो बोले ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो हम कुछ लॉजिक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम बोल रहे हैं फैक्टोरियल 1, तो इसका मतलब केवल 1 होना चाहिए, लेकिन हमको ये मीनिंग है कि ये जो नंबर आया है इसमें इस एक नंबर को हटाना है, मतलब डिवाइड कर दो, मतलब 2 / 2 करेंगे तो क्या आएगा 1। अब बोलो कि फैक्टोरियल 0 कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि जो नंबर इधर आया हुआ है उसमें इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे सीक्वेंस में भी लेके आप देख सकते हैं, और इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग बाद में
कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि फैक्टोरियल जीरो बोल रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन। तो हम लोग फैक्टोरियल जीरो का मीनिंग निकाल के आपको बताएंगे, बट आपको अभी कन्विंस होना है ये फैक्टोरियल नोटेशन है। जैसे हम बोल रहे हैं कि दिस इज फैक्टोरियल n, तो इसका मतलब होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस, देखो एक एक कम करके लिखते जा रहे हैं, और कहां तक जाएगा भाई, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें जीरो मत लिख देना, क्योंकि जीरो जहां डालोगे ये जीरो हो जाएगा। फैक्टोरियल n का मतलब 1 से लेकर n तक का नंबर होता है। दो बातें सीखी अभी हमने, क्या सीखा, काउंटिंग प्रिंसिपल एंड व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन का यूज क्यों करते हैं, क्यों बता क्यों रहे हम आपको, तो इसके लिए अभी आप एक एग्जांपल लेके सीखेंगे कि कहां इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक तो रास्ता कितना होगा या नंबर ऑफ वे कितना होगा इसको सीखा था, अभी सीखेंगे एक नंबर का फॉर्मेशन करके। वो देखो, फॉर्मिंग ए नंबर, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेके ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, सपोज कीजिए हम लोग नंबर लेते हैं 8, 9 and 7, तीन डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, और वो कितना डिजिट मिला है, 8, 9, 7 मिला हुआ है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है तीन डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो तीन बॉक्स बना देते हैं। अच्छा, अब पहला बॉक्स को फिल करना है हमको, इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं ना हम, आइदर वी कैन टेक 8 here or 9 here और वी कैन टेक 7 here। सपोज फर्स्ट बॉक्स इज फिल्ड, तो हाउ मेनी वेज, तो हम लोग बोलेंगे कि 3 ways, बिकॉज वी हैव गॉट 3 numbers। तो पहला बॉक्स को फिल करने का 3 तरीका हो सकता है, सेकंड वाले के लिए क्या हो सकता है भाई, तो इफ दिस बॉक्स इज फिल विल बी लेफ्ट विथ 2 digits। जैसे 8 को डाला है तो यहां के लिए 9 और 7 का ऑप्शन बचेगा, है ना, और यदि आपने 9 यहां डाला है तो 8 और 7 का ऑप्शन बचेगा, और यदि 7 डाला है तो यहां 8 और 9 का ऑप्शन, मतलब इसके पास भरने के लिए कितना तरीका है, सो देयर आर 2 ways। अब बताओ इस बॉक्स को यदि फिल करना होगा तो कितने तरीके आएंगे, तो इफ 2 boxes आर फिल्ड वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 option, तो इसको बोलेंगे कि ये वाला जो चीज होता है ये क्या होता है, तो बोलेंगे 1 way होता है ये। तो यदि पूरा नंबर बनाना होगा तो आपको क्या करोगे, 3 way into 2 way into 1 way, मतलब कि 3 into 2 into 1 दैट इज इक्वल टू कितना, 6। इसको आप बोल सकते हो फैक्टोरियल 3। तो कोई पूछे कि हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed using 8, 9 and 7, तो हम बोलेंगे फैक्टोरियल 3। जैसे मान लो ऐसा रहता कि 5, 6, 8, 7, मान लो ऐसा रहता, अब बताओ 4 digit के कितने नंबर फॉर्म होंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई फैक्टोरियल 4 numbers can be formed, फैक्टोरियल 4 numbers can be formed, factorial 4 का मतलब होगा 4 into 3 into 2 into 1, 4 way, 3 way, 2 way, 1 way, तो total कितने तरीके से fill कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा 4, 3, 2, 1, that is equal to 24 number। बेटे ये जो आप देख रहे हैं ना 4, 3, 2, 1, ये कैसे आया है, तो ये कितने तरीके से काम को कंप्लीट कर सकते हैं, पहले बॉक्स को कितने तरीके से फिल करेंगे, दूसरे को कितने तरीके से फिल करेंगे, ये सब हमने पढ़ा। और याद रखना है, जैसे मान लो आप एक नंबर लेते हैं ऐसे, सपोज करो यहीं पे 8, 9, 7 वाला एग्जांपल हो, जैसे यहां लिखते हैं 8, 7, 9, ठीक है ना, और यहां लिखते हैं आपका 9, 7 और 8, तो ये दोनों अलग अलग नंबर है ना, डिफरेंट नंबर हो गया कि नहीं, डिफरेंट नंबर का मीनिंग हुआ कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है ना, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप ऑर्डर बदलते हैं ये नंबर बदल जाता है, आपका रिजल्ट बदल जाता है, आउटकम आपका बदल जाता है,
क्लियर है। तो हम लोग देखो अभी क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, इसका मीनिंग है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितने तरीके से नंबर को अरेंज कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर। क्या चीज बोल रहे हैं, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। मतलब हमसे कोई ये पूछता कि ये तीन लोग हैं, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो तीन लोग हैं ए बी सी, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उनको, क्लास के तीन बच्चों को बाहर निकाला, सपोज करो एक बच्चा है ए, दूसरा बच्चा है बी और तीसरा बच्चा जो है वो है आपका सी, इनको एक लाइन में लगाना है तो ए बी सी, फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, तो ए सी बी ऐसे लगा सकते हो, फिर लगा सकते हो बी सी ए करके, फिर क्या लगा सकते हो तो सी ए बी करके लगा सकते हो, और सो ऑन, मतलब बी के बाद में एक और कर लेते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ हो जाएगा बी ए सी, यहाँ लिख सकते हो आप सी ए बी, इसके बाद लिख सकते हो सी बी ए, बस इसी तरीके से हो सकता है जी। तो देखो क्या क्या हो गया, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, है ना, तो दो तीन, मतलब टोटल कितने तरीके हो गए इसको लगाने के, लाइन बनाने के कितने तरीके हैं, छह तरीके हैं, अभी आपको ये चीज दिख गया होगा। तो ये नंबर एक्चुअली में बना, कितना नंबर बनेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर को कंसिडर करके। ऑर्डर का मतलब होता है हिंदी में क्रम, क्रमानुसार, है ना, किस किस जगह पे किसको डालेंगे, इससे ऑर्डर डिसाइड होता है, क्रम डिसाइड होता है। और जब ऐसा आप डिसाइड करते हैं तो यू आर डीलिंग विद सर्टेन थिंग्स व्हिच इन मैथमेटिक्स इज नोन एज परम्यूटेशन, ठीक है ना। देखो इसका क्या मीनिंग होगा, जैसे मान लो हम लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे पास में चार नंबर्स हैं, सपोज कीजिए 8, 6, 4 एंड 3, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, एक तरह से बोलो कि फोर ऑब्जेक्ट्स हैं बेटे, फोर ऑब्जेक्ट यहां बेसिकली क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में डिजिट्स हैं, आप इनको डिजिट्स बोलिए, है ना, हमारे नंबर सिस्टम के डिजिट्स हैं। अब आपसे कोई बात कर रहा है, एक सवाल लेते हैं हम लोग कि हाउ मेनी थ्री नंबर डिजिट्स, थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ये एक क्वेश्चन है, ध्यान देना क्वेश्चन का भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इसमें रिपीटेशन नहीं करना है, नो रिपीटेशन, ऐसा नहीं कि एट को दो जगह यूज करना है, एक ही जगह यूज करना है। अब दूसरा कोई क्वेश्चन देता है, इन हाउ मेनी वेज द थ्री डिजिट्स, या ऐसे लिखो फोर डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड taken three at a time, please focus on these two questions, ठीक है। मैं एक आपको और बताने जा रहा हूं बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिक्स की लर्निंग के लिए, या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या एनी साइंस स्टूडेंट उसकी लर्निंग के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की डेट में होती है कि वो अपनी पढ़ाई में भाषा कैसे सीखता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स की अपनी एक भाषा है, मैथ्स की एक भाषा है, हर सब्जेक्ट की एक भाषा है अपनी बेटे, और आपको उस लैंग्वेज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि कोई आदमी जो है बहुत क्या बोलते हैं उसको, एज का हो गया, लेकिन वो जिस बैकग्राउंड से आया है वो भाषा बोल ही देता है ना। जैसे मान लो कोई भोजपुरी बोलता है तो वो चाहे कितना ही बड़ा हो जाए तो वो बचपन वाली भाषा निकल जाती है उससे, गुस्से में, खुशी में, या गलतियों से, जो भी होगा वो निकलेगा ही निकलेगा। तो फिजिक्स की भी एक भाषा है, अच्छा यही होगा कि इस फिजिक्स का करेक्ट लैंग्वेज आप शुरुआत में सीख लें, मैथ्स का जो करेक्ट लैंग्वेज है आप बिगिनिंग में सीख लें, ठीक है ना। आपको मेरी बात समझ में आई, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत लैंग्वेज में बोले उसका मीनिंग कुछ और होता हो, या कोई बुक आप पढ़ के आ रहे हैं
आप नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या बोल रहा है। तो भाषा बहुत जरूरी है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स फोकस ऑन दिस टू क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस पे थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या लिखा है मैंने, और ये क्या दोनों क्वेश्चन सेम है, कमेंट करके बताइए। हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ दीज फोर डिजिट्स। यहां लिखा है मैंने कि इन हाउ मेनी वेज द फोर डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड टेकन थ्री एट ए टाइम। एक बार में कितना लेना है, तीन डिजिट को लेना है, और कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप अरेंज कर रहे हैं तो ऑर्डर इज कंसीडर्ड। चलो इस पे कमेंट करके थोड़ा बताओ। क्या ये दोनों सेम क्वेश्चन है या अलग अलग है? आर दिस क्वेश्चन सेम और डिफरेंट? क्यू वन एंड क्यू टू, क्वेश्चन वन एंड टू, आर दे डिफरेंट और दे सेम? थोड़ा कमेंट करके बताओ। लेट मी सी। यस सर दे आर सेम। ओके आंचल का आंसर आया है। और भी बताओ भाई, शाद्वी, शबनम, अमन, अदर्स आर यू वॉचिंग? प्लीज कमेंट, आर दे सेम? हम लोग बोलेंगे यस, ये दोनों चीज जो है ये सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि नंबर जो बनाएंगे बोथ क्वेश्चंस मींस द सेम। यस वेरी गुड, अमन का भी आंसर आया है। अमन बिल्कुल सही कहा आपने, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म या इन हाउ मेनी वेज फोर डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड टेकन थ्री एट ए टाइम, ये निकालना दोनों सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब हुआ कि आप बेसिकली ये सवाल जानना चाहते थे, आंसर जानना चाहते थे कि कितने तरीके से नंबर्स को अरेंज करना है। पहला तो बात है कि चार डिजिट्स है 8, 6, 4 and 3, लेकिन लेना कितना है एक बार में, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि तीन को लेना है, एंड डिफरेंट उसका अरेंजमेंट बनाना है। तो जो अरेंजमेंट होता है और जिसमें ऑर्डर इज कंसीडर्ड, इसको कहा जाता है, अब मैं एक और नया लैंग्वेज लिख रहा हूं नीचे में, कि इसी चीज को बोलते हैं कि हाउ मेनी परम्यूटेशंस। देखो लिख, सब लोग ध्यान देना, हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ, बोलेंगे इसको, फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken three at a time are possible। ये देखो क्वेश्चन नंबर थ्री है जी, क्यू थ्री। आई होप इट इज विजिबल टू यू। क्या लिखा क्वेश्चन में मैंने, हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ फोर डिजिट ऑब्जेक्ट्स, फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken three at a time are possible। आई होप दिस क्वेश्चन ऑल्सो कन्वे द सेम मीनिंग टू यू। ये क्वेश्चन भी आपको सेम मीनिंग दे रहा होगा कि हाउ मेनी परम्यूटेशन। अब बोलो कि परम्यूटेशन क्या है, तो परम्यूटेशन का देखो मैं एक इंग्लिश से इंग्लिश में ही मीनिंग लिख देता हूं। इसका मतलब है, परम्यूटेशन का मतलब है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, क्रम से सजाया हुआ व्यवस्था, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है कितना अरेंजमेंट होगा, ये भी एक परम्यूटेशन है, ये भी एक, इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि एक अरेंजमेंट करके बना दिया गया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, और इसको हमने बोला हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। सो आई बिलीव दे कन्वे द सेम मीनिंग टू यू। तो अब आप समझ गए कोई बात करता है कि परम्यूटेशन क्या है, तो आप बोलोगे भाई परम्यूटेशन का मतलब होता है चीजों को कितने तरीके से आप सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कितने तरह से आप उनको अरेंज कर सकते हैं,
ठीक है ना। सो दिस इज वॉट आई मीन, और इन जनरल द लैंग्वेज मीन्स अबाउट परम्यूटेशन, ठीक है ना। परम्यूटेशन का मतलब, जैसे मान लो आप सुने होंगे चुनाव आ गया, बहुत सारे लोग गए भाई कि हमको टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे दो, पार्टी के पास में 70 कैंडिडेट आ गए, ठीक है ना। अब उसमें से लोगों को सिलेक्ट करना है किसको किस विधानसभा सीट का टिकट दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए, तो इस तरह की जो कुछ समस्या आएगी ना, और तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये परम्यूटेशन चल रहा है, चलो परम्यूटेशन ट्राई करते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अभी आपको एक आंसर निकाल के मैं दे रहा हूं, कैसे होगा ये देखिए। थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो हम लोग देखो बताएंगे एक तीन डिजिट का जगह, 1 2 3, पहला वाला देखो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 1 2 3 4, चार डिजिट है, इसी एक को लेकर फिल कर देंगे। इसका मतलब होगा पहले को फिल करेंगे 4 ways, दूसरे को फिल करेंगे तो बोलेंगे एक डिजिट यहाँ फिल कर दिया, तो अब तो तीन ही चॉइस बचेगा ना, किसी को भी डाल दिया होगा यहाँ तो तीन नंबर बच जाए, तीन डिजिट बचेंगे, तो हम बोलेंगे ये 3 way होगा। और ये कितना होगा तो हम बोलेंगे इसके लिए तो 2 choice बचेगा लास्ट में, और अब जगह है नहीं, तो टोटल कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो 4 × 3 × 2 = 24 ways। हम बोलेंगे कि इससे 24 नंबर्स बना सकते हो, 24 नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट्स कैन बी फॉर्म, ये मेरा देखो आंसर हुआ। अब बोलो इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग, तो 4 3 2 और 1, यहां पर 1 एक छूट रहा है फैक्टोरियल नोटेशन में, तो देखो 4 × 3 × 2 यही मेरा आंसर है, लेकिन हम ऐसा करते हैं यहां पे एक 1 डाल देते हैं और नीचे में भी 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4, और इसको यूजुअली हम लोग लिखते हैं कि ये भी फैक्टोरियल 1 है। अभी ऐसा क्यों लिखना पड़ा, इसका एक एग्जांपल और लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास डिजिट होता 8 9 6 5 2 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, सपोज हाउ मेनी 2 digit नंबर कैन बी फाउंड, हाउ मेनी 2 digits कैन बी फाउंड, तो बोला कि भाई 2 digit का नंबर बनाना है ना, तो बॉक्स बना दिया। पहला वाला के लिए कितना ऑप्शन है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 digits है टोटल, 6 digits। सब लोग ध्यान से सुनना, यदि आज आपने ठीक से पढ़ लिया तो आप सोच लेना मैथ्स के 2 chapter जो है ना आपके एकदम केक वॉक रहेगा, ठीक है ना। कोई टीचर को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद से बना लोगे, टफेस्ट बुक बन जाएगी, किसी सिन्हा जो बड़ी सी बुक है या और भी किताबें हैं आप उसको बड़े आसानी से बना लेंगे, केवल ध्यान से सुनना। और ये मत सोचना कि ये बोरिंग है जी बायो वालों के लिए, नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो 6 digit में आपको पता लगा कि 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है पहला जगह को भरने का, तो इसको बोला 6 way, और इसको बोला कि कितने तरीके से भरेंगे, तो एक जब आप भर देंगे तो एक ऑप्शन कोई खत्म हो जाएगा, तो 6 digit में एक खत्म होगा तो ये 5 way हो जाना चाहिए इसको भरने का, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा, तो 6 × 5 होगा ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इससे आप 2 digit सेलेक्ट करेंगे तो 30 नंबर्स बना सकते हैं, और हम इस दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे कि यदि इस 6 object से 2 object को सेलेक्ट करके आप कितने तरह का अरेंजमेंट बना सकते हैं या परम्यूटेशन बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे 30 permutations आर पॉसिबल। और इसको पढ़ा जाता है, यदि इसको आप ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, 6 P2। सब लोग मेरे साथ एक बार इसको जहां बैठे होंगे रिपीट करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 6 P2। 6 P2 का मीनिंग होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 different things टेकन 2 at a time। इसको मन में या आप मेरे साथ बल्कि बोल के करो, आपको याद होना चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हो। इसको पढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ 6 different things टेकन 2 at a time।
मतलब छह ऑब्जेक्ट से दो ऑब्जेक्ट को लेके कितने तरीके का आप अरेंजमेंट बना सकते हो। जैसे इससे देखो कर क्या का अरेंजमेंट बनेगा, 8 9 9 8, इसके बाद बनेगा 6 5 5 6 8 6 6 8, ये सब एक एक परम्यूटेशन है, सबको जोड़ोगे ऐसा कितना बना सकते हो। तो देखो अभी निकाले हैं कि 30 बना सकते हैं आप। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ सिक्स डिफरेंट थिंग्स टेकन टू एट ए टाइम। क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ सिक्स डिफरेंट थिंग टेकन टू एट ए टाइम। छह ऑब्जेक्ट से दो ऑब्जेक्ट को एक बार में सेलेक्ट करें और ऐसा करके ऑर्डर बनाते रहें तो कितना ऑर्डर पॉसिबल होगा, तो बोला कि ऐसा होगा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, जो बात छोड़ी थी हमने अधूरी उसको पूरी करते हैं। तो ये आया कि भाई 6P2 इसका मतलब होगा 6 into 5, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लिखते हैं ऐसे 6 into 5, और अपने से यहां लिख देते हैं 4 into 3 into 2 into 1, और नीचे भी कर देते हैं ऐसे 4 into 3 into 1, ये चलेगा ना। बोलो क्यों कर दिए, तो भाई मैथमेटिकल मैनेजमेंट है, उसी से मल्टीप्लाई करा उसी से डिवाइड करा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब बोला कि इसको क्या लिखोगे, तो ये 6 से लेके अब 1 तक हो गया, तो इसको सीधे सीधे फैक्टोरियल 6 लिख देंगे, और नीचे वाले को क्या लिख देंगे, तो बोलेंगे कि ये फैक्टोरियल 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये 4 कैसे आया होगा, तो बोला कि ये दो डिजिट को छोड़ते ना 6 से लेके 1 तक, तो 6 में और 4 में क्या रिलेशन है, तो बोला कि यही दो डिजिट का फर्क है यहां पे। तो हम लोग इसको चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देना, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 2। प्लीज कमेंट इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट। आप यहां तक यदि समझ गए हैं तो आप बताइए 6P2 का मतलब क्या था, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, ऐसे आंसर आया था। इस आंसर को ऐसे लिखा जा सकता है, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइए, प्लीज कमेंट। अंचल इफ नंबर ऑफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो उसका आंसर मैं बता देता हूं, इसी की मैं यदि लेते हैं तो, बहुत लोग पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी जरूरत नहीं थी, ये अलग चैप्टर है मैथ्स में पढ़ने का। तो रिपीटेशन अलाउड होगा तो देखो क्या होगा, इसी में देखो 1 2 3 4 5 6, इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हो, 6 ways, और फिर क्या होगा इसमें कितना भरने के लिए ऑप्शन होगा, तो बोला फिर से इसको रिपीट भी ले सकते, जैसे 8 को यहां डाला था तो 8 तो फिर अवेलेबल है ना, तो इसके लिए भी 6 ही ऑप्शन मिल गया आपको, तो ये हो जाएगा 6 into 6 हो जाएगा आंसर, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है आचार्य। लेकिन अभी ध्यान नहीं दो इस पे, है ना, मैं एक दिशा में ले जाना चाह रहा हूं, आपकी क्वेरीज मैं व्हाट्सएप पे अटेंड करूंगा सबको, ठीक है, और हम लोग फुल जब कोर्स के लिए आपका प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें ये करेंगे, ठीक है। मेनी ऑफ यू माइट बी इंटरेस्टेड टू स्टडी साइंस फर्दर डीपली फॉर रिसर्च फॉर मेडिकल फॉर इंजीनियरिंग, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू। आपने यहां तक समझा कि नहीं समझा, अब इसको आप उससे जोड़ने की कोशिश करो। देखो 6P2 का मतलब है फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल, सॉरी 4 माइनस 2 नहीं बेटा, ये 6 माइनस 2 है, मिस्टेक हो गया, यहां 4 लिखा है, 4 6 माइनस 2। देखो 6P2 का मतलब है फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 2, 4 3 2 1, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 लिखना है तो 6 माइनस 2 यहां पर कर देंगे हम लोग, 6 में से 2 माइनस कर दिया। बोलो जी सबको समझ में आ रहा है ना, आपको यदि समझ में आ रहा है तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं देखिए, मैं एक सिंबल बना रहा हूं जिसको मैं कहूंगा NPR, NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N माइनस R। इसको तुलना करो, जैसे देखो अभी लिखा था मैंने कि 6P2 लिखना होगा तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 2। सबको समझ में आ रहा है तो बोलो आगे बढ़ेंगे।
अमन आंचल के कमेंट्स आए हैं, रेस्ट ऑफ यू शुड ऑल्सो कमेंट, यू शुड बी, इफ यू आर वॉचिंग एंड वॉचिंग सीरियसली देन ओनली, है ना, तभी तो समझ में आएगा आपको। मैं इसको मिटा रहा हूं। एनपीआर का मीनिंग क्या होगा अब ये आपको समझना है, ठीक है। मैं अभी लिखता हूं इसका नाम, एनपीआर का मीनिंग समझिए। तो हम लोग इसको बोल रहे हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, मतलब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, क्रम के हिसाब से बनाया गया अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ क्या चीज है बेटा, टेन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसको रट जाना एकदम, जैसे हनुमान चालीसा होता है ना, पहला लाइन सबको याद रहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जैसा जो दायक फलचार, है ना, या कुछ मंत्र है आप लोग याद करते होंगे अपना अपना सब लोग, तो ये मंत्र है जी, एकदम इसको रट जाओ कि इसको क्या बोलते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, 6P3, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, मैंने तीन तीन का ऑब्जेक्ट का ग्रुप लेके अरेंजमेंट कितना बनेगा, तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 6, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3। इसका मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे वाला का मीनिंग होगा 3 × 2 × 1, तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6 × 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 120, ये इसका आंसर होगा। एनपीआर का क्या मीनिंग होगा ये आपको मैंने अभी बताया, एनपीआर और एनसीआर, ठीक है। आगे बढ़े, एनपीआर का यदि और इसको इलाबरेट करना चाहते हैं थोड़ा सा कि कैसे मैंने सीखे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए देखिए एनपीआर का मतलब होगा कि जैसे यहां से शुरू करते हैं A1, A2, A3, ऐसे एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब कितने ऑब्जेक्ट को एक बार में लेना है, तो आर ऑब्जेक्ट को लेना है, इसमें से एन ऑब्जेक्ट है, आर ऑब्जेक्ट को लेना है, तो इसका प्लेस फिल कर देते हैं बेटा, देखो 1, 2 ऐसे करते हुए जाते हैं, लास्ट में क्या आएगा यहां पर R-1 और R, प्लेसेस टू फील्ड, इतने जगहों को भरना है, मतलब ये एन ऑब्जेक्ट है, हम आर ऑब्जेक्ट को लेके इसमें फील करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण दिया था कि 6 ऑब्जेक्ट था, 3 बॉक्स लेते हैं, तो एन ऑब्जेक्ट्स हो गया और ये आर टेकन एट ए टाइम। जो लोग समझ रहे हैं तो कमेंट करते जाइएगा, आगे फिर बताएंगे आपको, इसको अच्छे से समझना है। आज सोचो आप मैथ्स का भी एक चैप्टर का 99% चीज पढ़ी जा रहे हो, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट से आर प्लेसेस को फिल करना है, तो बताओ तो पहले प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शन होता है, तो बोलेंगे कि देखो भाई पहले के लिए तो एन ऑप्शंस है, एन वेज या एन ऑप्शंस, फर्स्ट को फिल करने का एन ऑप्शन, सेकंड वाले को फिल करने का कितना ऑप्शन, तो एक ऑब्जेक्ट जैसे सपोज करो A1 को ही आपने डाला या A2 को डाला, तो बाकी कितने बच जाएंगे, तो हम बोलेंगे N-1 बच जाएगा, तो N-1 ऑप्शन रहेगा। आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी, पहला के लिए n, दूसरा के लिए n-1, इसमें एक कम हो जाएगा ना, अब तो कितना होगा, तो n-2 हो जाएगा, कौन सा प्लेस को भरने के लिए, ये है आपका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, यहां आता है आरएथ प्लेस। कम ऑन आप इसको देखिए आगे, यहां के बारे में बताइए कि क्या होगा लास्ट वाले के लिए, हाउ मेनी ऑप्शंस आर पॉसिबल फॉर दिस प्लेस, तो एक एक ऑब्जेक्ट खत्म होते जा रहा है, सेकंड वाले के लिए n-1 बचा, थर्ड वाले के लिए n-2 बचा, देखो 3 है तो n-2,
मतलब जो नंबर लिखा है उससे एक कम यहाँ पर डालना है, यदि आरएथ प्लेस है तो क्या लिखेंगे, तो एक कम करना है इसमें से, तो एन माइनस आर माइनस वन, ध्यान देना, एन माइनस आर माइनस वन ऑप्शन, अब कोई आपसे पूछे कि ये पूरा काम करने में, पूरा अरेंजमेंट बनाने में कितना तरीका है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए इसको मिटा रहे हैं यहां से जी, है ना, स्पेस थोड़ा कम है यार, इसको ऐसे लिख देते, ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, एन पी आर इक्वल्स टू है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, इसी को प्रूफ करना है एक्चुअली। अभी क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि n ऑब्जेक्ट से r को सेलेक्ट करना है, कितना तरीका हो सकता है, तो बोला कि ये तरीका ऐसे निकलेगा, और काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेके कहां तक मल्टीप्लाई करना है, तो n माइनस आर माइनस वन तक, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है पूरा, इसी को एनपीआर कहते हैं। और बोलो यदि ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं भाई, तो हम बोलेंगे कि ये है आपका एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये कहां तक चला गया, तो हम बोलेंगे कि ये होगा एन माइनस आर और यहां आ जाएगा प्लस वन, माइनस माइनस ये प्लस आ गया, इसके बाद क्या आएगा, अब आएगा नहीं कुछ, इतना ही है, यही मेरा आंसर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको और आगे तक लिखते हैं, तो अपने से देखो लिखते हैं एन माइनस आर, ये वन कम होते जा रहा है ना, हर बार एक कम लिखना है, तो एन माइनस आर प्लस वन था, तो यहां अब एक कम करेंगे तो कितना लिखेंगे, एन माइनस आर वन को हटा देंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, एन माइनस आर माइनस वन, एक और कम कर दिया, और ऐसे करते हुए कहां तक पहुंचेंगे, तो 3 इंटू टू इंटू वन तक पहुंच जाएंगे, ये बड़ा नंबर होगा, n जैसे 50 है तो 50, 49, 48 ऐसे करते हुए 1 तक लिखा, तो हम ये वाला चीज तो अपने मन से लिखे है ना, तो इतने ही से इसको डिवाइड करेंगे, कितना, तो n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू ऐसे करते हुए जाएगा और रहेगा 3 इंटू टू इंटू वन। कोई पूछे कि इसमें कितना नंबर है जी, बीच में जो डॉट 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 दिया हुआ है कितना नंबर है, बीच का जो डॉट है 1 2 3, तो ऐसा नहीं सोचना कि तीन नंबर है जी, बहुत लोग सोचते हैं कि जितना डॉट है उतना नंबर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नंबर हैं जो अपने दिमाग से समझ के उसको लिखना है हम लोग को। तो बेटा देखो ये चीज आ गया ना, एन माइनस आर से लेके वन तक है और ये एन से लेके वन तक है, तो ऊपर में क्या आंसर आया, बोलो, ऊपर आ गया फैक्टोरियल n और नीचे आ गया फैक्टोरियल n माइनस आर, वन से लेके n माइनस आर तक, और ये है वन से लेके n तक, तो आ गया कि नहीं, एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n माइनस आर। आप बताइए आपने समझाया नहीं इस चीज को, ये डेरिवेशन सबको समझ में आया कि नहीं, एन पी आर बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, एन पी आर इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है, हम लोग आज का क्लास यहीं तक फिनिश कर रहे हैं, बिकॉज टाइम इज ओवर, इट इज गोइंग टू बी 11, ठीक है, मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है, ठीक है, आदर्श को भी समझ में आया, गुड, हाँ सब लोग को समझ में आएगा, एंड नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट भेजो, मैं ये करूंगा, या व्हाट्सएप कर दो, आई विल टेक ए पर्सनल कॉल, वीडियो कॉल, या जैसे भी लूंगा, बट आई विल सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है ना, चीजें अभी समझनी बहुत जरूरी है, लैंग्वेज सीखना जरूरी है, माइंड को डेवलप करना बहुत जरूरी है, नए तरीके से पढ़ने की अब बात होने वाली है, ठीक है ना, वी नीड टू लर्न फास्ट, लर्न इन द करेक्ट वे, लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, जिसपे की बेस बिल्डअप होगा पूरा। तो मैं आपको जो आज मैंने बताया वो इसके बारे में बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं
नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे हमको कोई बोले कि 6p4 इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि ये होगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4, मतलब कि 6 फैक्टोरियल नीचे में 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 है ना, तो 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 600 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 6 × 5 = 30 सॉरी 360 आ जाएगा, 6 × 5 = 30 × 4 = 120 × 3 = 360। ठीक है, सो टुडे क्लास इज ओवर, टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम 10 o'clock फॉर बेसिक मैथमेटिक्स क्लास, एंड टिल दैट टाइम आप कुछ अपने से जो रिसोर्स कलेक्ट किए हो, बुक बुक है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में। और बाकी सब्जेक्ट के क्लास कैसे शुरू होने हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन कॉल, वी आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच।